सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो डालने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये वीडियो रिलेटेड है बेसिकली मेरे इस लैपटॉप के बारे में, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बेसिकली ये लैपटॉप एक ड्रीम लैपटॉप था मेरा उस टाइम पे जब मैंने इसको लिया था, और अभी इस लैपटॉप के साथ ऑलमोस्ट 6 साल बीत चुके हैं। सो अभी भी स्टिल इसकी ब्यूटी कम नहीं हुई है, और इसकी प्राइसिंग अभी कहां से कहां पहुंच गई है, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी अपने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताता हूं कि व्हाई आई लव दिस लैपटॉप। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने अभी बैक कैमरा ऑन किया है, और ये है मेरा मैकबुक एयर जो कि 2 है। और इस लैपटॉप को आज जस्ट मैंने अभी चेक किया, तो इस लैपटॉप को हो गए हैं ऑलमोस्ट 6 साल, ठीक है। और 2015 में मैंने इसको ख़रीदा था, तो 15 से 21 6 साल हो गए ऑलमोस्ट, और इसी टाइम में ख़रीदा था, लगभग जून जुलाई के टाइम पे ही ख़रीदा था। तो इस लैपटॉप की अभी भी आप देख सकते हैं क्लीन लैपटॉप है, एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम छोटा सा लैपटॉप। बल्कि उस टाइम एयर जो था वो काफ़ी पॉपुलर मॉडल था, और बेसिकली इसको लोग लेना प्रेफर करते थे क्योंकि इसका जो साइज़ था वो साइज़ इतना अच्छा था कि साइज़ इसको कैरी करना एकदम ही इजी था। सो ये रीज़न था, स्लिम था, और अभी भी ये एकदम हैंडी है और आप इसको ब्यूटीफुली तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, मैं आपको जस्ट दिखा सकता हूँ कि ये लैपटॉप का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। 11.6 इंचेस का इसका डिस्प्ले होता है, और ये इसकी साइज़ है, ऐसा है कुछ, ये ब्यूटीफुल लैपटॉप। सो अभी आप देख सकते हैं, जस्ट मैंने अभी खोला है इसको, और इसमें एडिशनल कुछ भी साइड में टैब्स वगैरह नहीं है, क्योंकि इसकी सारी जो न्यूमेरिक बटन्स है वो यहाँ पे दी हुई हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है इसका जो ये टच पैनल है, ये भी बहुत ही अच्छा है, और थोड़ा सा ये हैवी होता है क्योंकि जस्ट इसका जो जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी स्टडी होता है, ऐसा नहीं होता है कि हल्का फुल्का हो या दिखने में अच्छा ना हो, या मतलब जस्टिफाई करता है कि ये महंगा लैपटॉप है। इसको मैंने 2015 में लगभग 62,000 या 63,000 रुपये का लिया था, और इसके अंदर मैंने कुछ 3,500 का जेनवर पॉइंट ऑफिस डाला था इसमें मैंने सारा कुछ, और स्टिल बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में, काफ़ी क्विक काम करता है, और अभी तो इसके काफ़ी अपडेटेड वर्जन भी आ गए हैं, इसमें दूसरे कलर्स भी आते हैं, बट स्टिल इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में और बता दूँ, तो इसमें आपको एडिशनल सीडी रोम वोम ये सब कुछ मिलता नहीं है, वो पहले से भी अभी बहुत सब बंद हो गया, तो यहाँ पे आपको एक दो USB पोर्ट्स ऐसे मिलेंगे, और बाकी इधर देखेंगे तो आपको एक चार्जिंग स्लॉट मिलेगा, और एक ये USB पोर्ट मिलेगा, और एक ये हेडफोन का छोटा वाला जैक मिलेगा। सो इस तरीके का है ये लैपटॉप का कुछ कंस्ट्रक्शन। इसमें इसका जो कैमरा क्वालिटी वगैरह है वो बहुत ही बेहतरीन है, आप देख सकते हैं, तो इसमें काफ़ी क्लैरिटी है इसके कैमरे में। मैं अगर इसका बड़ा करके आपको दिखाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्लैरिटी है, मैं जिस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ उससे, और इसमें एकदम ही मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर दिखता है। तो ये अभी तो इससे भी क्लियर काफ़ी आ चुके हैं, बट कैसा है कि उस टाइम पे बहुत मज़ा आता था इसको यूज़ करने में, और इफ़ेक्ट्स वगैरह यहाँ से आप क्लिक भी कर सकते हैं। सो ये देखिए 3, 2, 1 और क्लिक, ये फ़ोटो क्लिक हो गई, तो काफ़ी अच्छी, ये देखिए आपको फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ यहाँ से। सो ये दिस इज़ द फोटो। सो ये इसका जितने भी इसके सॉफ्टवेयर्स हैं और iOS है, ये सारा चीज़ बहुत ही अच्छा है। इसको बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ iMovie के लिए, बट मैं रेगुलरली iMovie इतना यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में है ना पावर डायरेक्टर है, पेड मैंने ऑलरेडी लिया है क्योंकि 4K और 60। सो बहुत ही अच्छा है, प्यारा है लैपटॉप,
और अभी इसकी कीमत आई थिंक 80-90 हज़ार हो गई, और ये मॉडल वैसे डिसकंटिन्यू हो चुका है। सो अभी दूसरे लैपटॉप्स आ रहे हैं एप्पल के। बट अगर मैं आपको सच बताऊं, अगर आपका डेली रूटीन का कुछ काम नहीं है तो ये लैपटॉप आप उतना मज़ेदार तरीके से नहीं यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको डेल, लेनोवो और एचपी में ही जाना पड़ेगा। और अगर आपका कुछ अलग से काम है, या आप एकदम लाइट वेट कैरी करना चाहते हैं, या बिल्कुल इसकी यूज़ टू हो चुके हैं एप्पल के, क्योंकि इसको लेने के बाद आप बहुत यूज़ टू आपको होना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको मज़ा नहीं आएगा यूज़ करने में। काफ़ी इजी है, काफ़ी अच्छा है यूज़ करने में, और अपडेट रखना पड़ता है इसको, जैसे कि सभी लैपटॉप को अपडेट रखना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा मेरा लैपटॉप, जो जिससे एक इमोशन जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसको खरीदते टाइम मैंने बहुत ही दिल पे पत्थर रख के खरीदा था। उस टाइम पे 2015 में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट था उस टाइम पे मेरे लिए, और अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। मैं इसको बहुत ही हिफाजत से और प्यार से अच्छे से यूज़ करता हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो अगर आप भी ये लैपटॉप को परचेज करना चाहते हैं, तो जो इस टाइम का करंट अपडेटेड वर्जन लैपटॉप है, उसको आप जाके परचेज कर सकते हैं। और एप्पल इज़ एप्पल, एप्पल का कोई भी डिवाइस से ये पेयर हो जाता है, वेदर इट इज़ फ़ोन, बहुत जल्दी सिंक हो जाता है, और आईपैड, आपके पास जो भी एप्पल का डिवाइस है, इससे काफ़ी आसानी तरीके से ये सिंक हो जाता है। ये है कुछ इस लैपटॉप के बारे में। देखिए, ये छोटा सा वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। एक्चुअली मैं जस्ट, आज संडे का दिन था, तो मैंने सोचा इस लैपटॉप के बारे में कुछ और बना के आप लोगों को बताता हूँ। ये लैपटॉप को यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, बट कैसा है कि मेरे पास और भी एक दो लैपटॉप हैं जिसमें मैं ज़्यादा टाइम दे पाता हूँ, इसको मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। इसमें सिर्फ जो अपनी एडिटिंग की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो मैं करता हूँ, और इसको ट्रैवल लेके अभी फ़िलहाल मैंने चालू नहीं किया, इसको सिर्फ घर पे ही रखा, क्योंकि डर लगता है यार, थोड़ा लोकल ट्रेन वगैरह में या ऐसा कि सर कुछ हो गया, तो इसको सिटिंग डेस्क है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो चैनल, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ आपसे फिर मिलते रहेंगे। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, चैन जय भारत, थैंक यू।